ये देखिए दोस्तों, मेरा हस्बैंड आज क्या काम में बिजी है। बहुत काम कराती हूँ मैं इनके इनको देख के। तो मेरे पास तो कोई सर्वेंट नहीं है, तो क्या करूँ, सर्वेंट की जगह मैं इनको ही रख दिया है। यही सब काम करेंगे, इसके बदले में इनको क्या मिलता है यही बताएं। दो रोटी, रोटी मैं नहीं बनाती हूँ, फिर भी झूठे बात बोले, बोली इसके भी बदले में आपको क्या मिलता है। तो उनको सोच के ही पेट भर जाता है इनका। हाँ। सोच सोच के पेट भर लेते हैं। ये बिस्तर में मेरा बेटा सुसु कर दिया है अभी। सुसु भाई, बरसात के मौसम में आज सुसु कर दिया। अभी तक मेरा बेटा बोलना नहीं सीखा है क्या, सुसु लगा है उसको और नहीं बोल पाता है। कभी कभी ऐसा कर देता है, जब भी कर देता है तो ऐसा हालत हो जाता है। तो मैं चद्दर नहीं बदलती हूँ पर अभी नहीं मैं मेरा हिंदी बहुत ख़राब है, तो मैं जो बोलना चाह रही हूँ मतलब मैं चेस नहीं कर पाती हूँ चद्दर, क्योंकि मेरा बेटा मेरे साथ उठ जाता है बिस्तर में और चद्दर में जिधर से मैं अंदर मतलब फोल्ड करती हूँ वहाँ से वो फिर से निकाल देता है। तो इसीलिए मैं चद्दर नहीं बिछाती हूँ, उनको लेके ही बिछाना पड़ता है। तो अभी भी मेरे पीछे ही खड़ा है मेरा बेटा। कहाँ गया? ओ नहीं, निकल गए बाबू, गया उस तरफ चला गया। ठीक है, जो भी हो। तो अभी प्रदीप चद्दर को चेंज कर रहा है और ये देखिए, हर रोज़ हम लोग हर रोज़ चद्दर, दिन में तो 2 से 3 चद्दर हम लोगों को चेंज करना पड़ता है, मतलब दोनों बिस्तर मिला के 4 चद्दर हर रोज़ धोना पड़ता है। ये देखिए देखिए आ गया, ये देखिए आ गया। ओ, नहीं दिखाएंगे, अभी कुछ पहना नहीं है। इन्होंने कुछ भी नहीं पहना है। हाँ हाँ, चद्दर ओढ़ लीजिए। तो अभी बरसात का मौसम है और इसके हालत देखिए बिस्तर का। तो हम लोग ये प्लास्टिक ऐसे टान लिए हैं ताकि तकिया गद्दी में नहीं जाए। और अभी ये खुला ही रखे देंगे तो मेरा जो बिल्ली है वो लोग फिर सूंघ सूंघ के वहाँ पे देखेगा, ओ हो यहाँ पे तो सुसु का बदबू आ रहा है, तो वहाँ पे वो लोग भी कर देगा। तो इसीलिए हम लोग जल्दी से चद्दर को चेंज कर रहे हैं और उसके ऊपर से डेटॉल स्प्रे किए हैं, क्या करें ऐसे ही चलेगा। और ये देखिए कितना दिन का पुराना चद्दर, हर रोज़ अभी इतना मौसम ख़राब है क्या, चद्दर ड्राई नहीं हो रहा है। तो इसी वजह से हम लोग जो भी घर पे है वो ही टांग दे रहे हैं। अभी तक तो 2-3 चद्दर इधर उधर टाना हुआ है। तो यही हालत है, क्या बोलूँ, बच्चा जिनके पास है वो ही जानेगा। तो ये आप क्या बैठे बैठे क्या सोच रहे हैं? अरे बिछाई आपको लेके ब्लॉगिंग हो रहा है आज, आज चद्दर आप मॉडल है। आज पति को कैसे नौकर बनाना बनाने का क्या तरीका है वो मैं सिखा देती हूँ। जब भी आपको बेटा डिस्टर्ब करेगा तो आप बोलेंगे नहीं मैं कैसे काम करूँ, आप कीजिए ना, आपको तो डिस्टर्ब नहीं करता है कोई। जरा क्या क्या कर दीजिए, मुड़ दीजिए, ठीक है। तो ये जो बेड है ये हम लोगों का बेड है, मतलब मेरा हम तीनों यहाँ पे सोते हैं, मेरा मैं और मेरा हबी और मेरा बेटा, और भी नहीं नहीं तीनों नहीं, झूठी बात, यहाँ पे और भी मेंबर है सोने के लिए। क्या कौन कौन सोता है? मेरा और भी छोटे छोटे जो बच्चे लोग हैं ना वो लोग भी सोते हैं यहाँ पे। मेरा बिल्ली लोग कहाँ गई? ये देखिए ये आ रही है। और ये देखिए बोतल को भी गिरा के मेरा बेटा चला गया, तो ऐसे ही काम काज करता है। तो हेलो दोस्तों, मेरे पति ने बोला क्या ब्लॉगिंग बना रहे हो आप, और अपने आप को नहीं दिखा रहे हो, मुझे ही दिखा जा रहे हो, मैं आपको भी खुद को दिखाओ। तो इसीलिए मैं जिस हालत में थी वैसे ही आ गई। तो अभी तक मैंने सुबह से बहुत सारा काम किया है, तो नहाने का भी टाइम नहीं मुझे मिला है। अभी शाम का कितना बजा है? 6 बज गया है। तो 6 बजे तक अभी तक नहीं नहाया है, अभी जाएंगे, अभी जाके नहा धो के फिर भगवान को थोड़ा पूजा करेंगे और उसके बाद फिर वीडियो एडिटिंग करने बैठेंगे। तो एक के बाद एक लगा ही रहता है, तो सोचा अभी 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 हम लोग सोचे क्या, अब मेरा पति यानी प्रदीप चद्दर बिछा रहा था तो मैंने सोचा नहीं ये दिखाया जाए, क्योंकि वो ऐसा कभी नहीं करते, बहुत रेयर ही करते हैं।
तो वो काम कर रहे हैं, मैं आपके साथ शेयर ना करूँ तो एक अच्छा काम कर रहे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो थोड़ा बराबर करके बोलने से वो शायद हर रोज करेंगे, इसीलिए मैंने ठीक है चलिए आप बिस्तर में चद्दर टान रहे हैं तो आज मैं यूट्यूब में हर किसी को दिखा दूँगी। और इस तरफ देखिए आगे पीछे सब चद्दर में ये नाइटी वगैरह सब कुछ टाना हुआ है, इतना बारिश हो रहा है, कभी मतलब हर रोज़ बारिश हो रहा है तो सब कुछ सूख नहीं रहा है तो घर पर ही ऐसे बिछा देना पड़ रहा है। तो आज यह सोच के एक थोड़ा सा ब्लॉग बना लेते हैं। तो ये देखिए मेरा और एक बेटी आ गया है और ये हर वक्त ये लुंगी पहन के रहते हैं, बंगाली स्टाइल लुंगी पहनना, लुंगी कौन कौन पहनता है हाँ बंगाली के सिवा हेलो हाँ, क्यों आप बरमुंडा पहन सकते पायजामा पहन सकते वो सब क्यों नहीं पहनते? क्योंकि मेरे पास नहीं है। झूठे कह गए, झूठे झूठे मेरे पास एक ही लुंगा है। लुंगा है, लुंगा लुंगा है, लुंगा है, लुंगी नहीं लुंगा है, तो एक ही लुंगा है वही, सॉरी एक ही लुंगी है तो यही लुंगी पहन के रहते, कुछ बदलते नहीं है, इतना बदबू आता है इनके, मतलब इनके पास है नहीं तो क्या बदबू तो होगा ना, परफ्यूम खरीदने में खर्च होता है ना, परफ्यूम खरीदने में खर्च होता है तो इसलिए बॉडी से खर्च बच जाता है, वो खुद से अपने बॉडी से उनके बॉडी से जो स्मेल निकलता है वो उनका परफ्यूम है, वो जब बाहर से निकलेंगे आसपास के हर लोग जान पाएंगे कि ये प्रदीप का परफ्यूम लगा के प्रदीप जा रहा है ना। ट्रैवलिंग में बहुत सुविधा होता है, बस में ट्रेन में अगर बहुत भीड़ रहता है थोड़ा सा लोग सोता होके जगह दे देता है, इसका फायदा मिलता है। कितना गंदा बात सच में। तो यही है हम लोगों का हर रोज का नोक झोंक, ये चलता रहता है, कभी हम उनका टांग खींचता है, कभी ये हम मेरा टांग खींचता है। तो अभी मैं मुझे ब्लॉगिंग करना था तो मैं सोचा अभी टांग खींचने का अच्छा मैं टाइम है, तो इसीलिए फूलू फूलू को दिखाओ जरा, फूलू गुस्सा गुस्सा क्या हो गुस्सा क्यों हो गई, फूलू फूलू इसका नाम है फूलू क्योंकि फूला हुआ रहता है, इतना इतना सारा इसके बॉडी में देखिए प्यार से काट लेता है, प्यार से काटता है मतलब काटता है तो उसका दांत नहीं बैठता, ऐसे ही काट के डर दिखाता है, डराता है, देखिए कितना प्यार मतलब प्यार है। और मेरा बेटा भी बिल्ली लोगों को इतना प्यार करता है, क्या डरता तो नहीं है बेटा, सभी को बिल्ली लेके सभी के गोदे में दे के आता है, मैंने मतलब मेरा मामा का बेटी आया था तो वो क्या किया, मेरा मामा का बेटी का मतलब 11 क्लास में पढ़ता है पढ़ती है तो वो डरती है बिल्ली से, पर मेरा बेटा नहीं डरता है, मेरा बेटा एक को गोदी में उठा लिया, उठा के उसकी गोदी में बिठा दिया और वो इतना चिल्लाई।